खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर काला के हनुमान। बागेश्वर धाम की कथा के प्रचार के लिए 130 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले बाबा से मिलिए। बिहार के पटना क्षेत्र स्थित नौबतपुर में 13 मई से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का शुभारंभ हो गया है। यह कथा देश भर में चर्चित हो चुकी है, क्योंकि कथा के पहले तेज प्रताप यादव के द्वारा आयोजन को लेकर दी गई चुनौती ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तमाम चुनौतियों और विवादों के कारण अब बागेश्वर धाम के लाखों अनुयायी इस कथा को भव्य और दिव्य बनाने में जुट गए हैं। कथा को लेकर सिर्फ आयोजक और प्रशासन ही तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि आम जनमानस भी इस कथा की तैयारियों और इसके प्रचार में कूद पड़े हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये हैं अंगद महाराज, जो बिहार के सीवान जिले से लगभग 130 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए पटना के नौबतपुर पहुंच गए हैं। अपने हाथ में श्रीराम का झंडा लिए अंगद महाराज कहते हैं कि उन्होंने अपने स्तर पर 130 किलोमीटर पैदल चलते हुए इस कथा का प्रचार किया है। क्या नाम है? अंगद जी महाराज। कहाँ से आए हैं? सीवान जिला से, बिहार के। ये पैदल यात्रा वहाँ से 135 किलोमीटर का यात्रा रहा, और हमारा सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे 5 दिवसीय पटना के पाटलिपुत्रा के धरती पर हमारे नौबतपुर के गांव में तरेतपाली मठ के प्रांगण में ये भव्य कार्यक्रम हनुमत कथा होने जा रहा है। धीरेन्द्र के शास्त्री बागेश्वर धाम के आ रहे हैं उनके द्वारा, इसीलिए हम उनके समर्थन में और सनातन संस्कृति के प्रचार करने आ रहे हैं, उनके लिए हम आए हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे और प्रचार करते हुए आए हैं पैदल। देखिए, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि ये देखिए, ये विरोध नहीं हो रहा है, हम विरोध इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये विरोध तब हम कहते जब जितना लोग समर्थन में हैं। हम तो जब आए हम तो यहाँ पर इतना ना लोग समर्थन में हमको मतलब कोई जूस दे रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग समर्थन में हैं। आज जो लोग ये इस तरह के कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना बनाए हुए हैं, सेना ये इनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही ना लठबाजी बता रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे हनुमान जी का जो शक्ति है ये अंथा है। अब जानते हैं बजरंग वीर बजरंग बोली है, हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं, उनको इस तरह के बातें कहना, इस तरह के बयानबाजी करना ये गलत है, सरासर गलत है। संविधान के भी तहत और ये सनातन संस्कृति वैदिक धर्म में होकर के उनको ज्ञान हम बोले नहीं, अल्प ज्ञान होने के कारण ही इस तरह के बातें करें। कौन सी का ज्ञान, मतलब ये सनातन संस्कृति में पैदा लिए हैं ज़रूर, लेकिन उनको कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस तरह से ये अपने जीवन को चलाना है, इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये सुनना तो क्षण भर के जीना जिंदगी भर के लिए होता है, अपने जीवन में उतारे नहीं है सही से, इसी कारण वो रास्ते से भटक रहे हैं, भटके हुए को हम महाराज जी से एक माह पहले मिले हैं बागेश्वर धाम जा करके, खजुराहो स्टेशन से पैदल गए थे। अंगद महाराज ने विरोध करने वालों को भी खरी खोटी सुनाई। इसी तरह एक और बाबा हैं जो इस कथा में शामिल हो रहे हैं। अभी आपने अंगद महाराज को सुना, अब सुनिए जय श्री राम महाराज को। वैसे इनके माता पिता ने इनका नाम अनिल रखा था, लेकिन इनके हाथों में लगातार जय श्री राम का झंडा होने के कारण अब लोग इन्हें जय श्री राम बाबा कहते हैं। अब ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए गांव-गांव में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा का प्रचार करते हुए इस स्थल पर पहुंच चुके हैं। वे कहते हैं कि बागेश्वर बाबा उपचार करते हैं और हम उनका प्रचार करते हैं। देखिए, मेरा नाम जो है ना, जैसे माता पिता का रखा हुआ, अनिल शाह जी है, ठीक है। और जब से 30 साल से हम झंडा उठा रहे हैं, तो उस दिन से सब जय श्री राम के नाम से जानते हैं। अच्छा, हाँ, जय श्री राम के नाम से जानते हैं। बस कब से झंडा उठाएं, क्या 30 वर्ष हो गए धर्म का, सनातन धर्म का, ऊपर वाले का, ऊपर सरकार का, ये बात है। आप दो झंडा लिए हैं, एक शनि शनिदेव का एक में नारे लिखे हुए हैं, एक देखिए ये बता देते, ये जो है मान लिया जाए राष्ट्रपति जी हुए काला वाले, हाँ, एक प्रधानमंत्री जी, तो दोनों में सेटलमेंट है। अरे मान लिया हाल में तो भैया क्या कहते हैं, यूपी गए, गोरखपुर में जग हुआ, वहाँ बुलावा हुआ, वहाँ गए हम लोग, जो है ना जग कोई करावे, हम लोग प्रचार प्रचार करके हाईलाइट, मतलब जैसे हुआ कोई डॉक्टर बढ़िया है, ठीक है, और उसका प्रचारक बढ़िया रहता तो हॉस्पिटल फुल हो जाता है,
तो प्रचार जो है बढ़िया करते हैं हम लोग जी। अच्छा हाँ, अभी किसका प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे? जय श्री राम का कर रहे हैं, मान लिया जो आ रहे हैं उन्हीं का ना हम लोग है। अच्छा। मददगार कहिए कि प्रचारक कहिए, दो दिन पहले आए हैं, किस लिए? कथा सुनने आते तब तो 13 को आते, 10 को पहुँचे हैं, किस लिए? पहले दिन प्रचार करेंगे और डॉक्टर साहब आएंगे तो उपचार करेंगे। अभी यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा होने वाली, उनका प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी जी जी, कि हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जिनको जिनको उपचार करना है पर्चा बना के तैयार कर लीजिए। अच्छा। हाँ, धर्म का चर्चा कीजिए, विश्व में सेटलमेंट कुछ नहीं कीजिए।